मैं याद आ रहा था टेल्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, ये बचपन में वो पढ़ी अल्फ लैला की कहानियाँ, सिंदबाद जहाज़ी के सफ़र, अली बाबा और 40 चोर, या अलादीन का चराग वगैरह वगैरह। वो मुझे याद इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी ज़िक्र आया था एक सैटर्न का चांद है इंसेलाडस का। अब इसका अल्फ लैला से क्या ताल्लुक? 1981 में नासा के स्पेसक्राफ्ट थे वॉयजर 1 और वॉयजर 2, वो सैटर्न के को फ्लाई बाय करके गए सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ, और जब वो स्पेसक्राफ्ट जा रहे थे उधर तो उन्होंने सैटर्न के चांदों की भी तस्वीरें खींची। उसमें से एक चांद जो था ये इंसेलाडस की तस्वीर है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं, लेकिन जब साइंसदानों ने उसकी तस्वीर देखी तो वो उनको एक दिलचस्प चांद नज़र आया, थोड़ा सा पुरसरार भी, और ख्याल था कि किस किस्म के और राज इस चांद में मौजूद हैं। तो 1982 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU के नाम से, तो ये जो सैयारों और सितारों के ऑफिशियल नाम जो देते हैं वो IAU बनाती हैं। तो 1982 में उन्होंने फैसला ये किया कि इंसेलाडस के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं उनके नाम अरेबियन नाइट्स या 1001 नाइट्स के बेसिस पर होंगे। इन पर्टिकुलर एक्चुअली ये जो रिचर्ड बर्टन की ट्रांसलेशन है उसके ऊपर। तो उन्होंने फैसला किया कि अगर वहाँ पर कोई आपको क्रेटर नज़र आए, तो मिसाल के तौर पर वहाँ पर शहरजाद क्रेटर है जो इसमें मेन कैरेक्टर है अल्फ लैला में, या वहाँ पर सिंदबाद के इलाके हैं और वहाँ पर बगदाद भी है, वहाँ पर दमिश्क है, वहाँ पर कायरो है, अलेक्जेंड्रिया है वगैरह वगैरह। लेकिन अब 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, ये एक और स्पेसक्राफ्ट गया नासा की, और उस वो वहाँ पर सैटर्न को ऑर्बिट कर रहा है, और उसके पास ज़्यादा टाइम था मुख्तलिफ चांदों की तस्वीरें लेने का। जब उसने इंसेलाडस की तस्वीरें ज़्यादा लीं तो पता ये चला कि ये गालिबन उनका जो ख्याल था, जो उनका गेस था, वो सही था। इंसेलाडस वाकई एक पुरसरार जगह निकली, ना सिर्फ पुरसरार बल्कि बहुत ही दिलचस्प। तो आखिर इंसेलाडस क्यों दिलचस्प जगह है? इंसेलाडस एक छोटा चांद है, हमारे चांद से तो काफ़ी छोटा, सैटर्न का भी वो सबसे बड़ा चांद नहीं बल्कि छठा बड़ा चांद है। उसका साइज़ जो है वो तकरीबन आप समझेंगे कराची से सखर तक का, तकरीबन 500 किलोमीटर जितना उसका साइज़ है। लेकिन उसमें जो कमाल की चीज़ है या जो हमारे लिए सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि उसके ऊपर तो आइस है, बिल्कुल आइस जैसी बनी हुई है, वो बहुत दूर है सूरज से। सैटर्न जो है वो ज़मीन से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा दूर है सूरज से, और जितनी दूर ज़मीन है उससे 10 गुना ज़्यादा। तो इंसेलाडस जो है वो वहाँ पर कोई उसका एटमॉस्फेयर भी नहीं, ऊपर बिल्कुल आइस है, लेकिन उस आइस शीट के नीचे वहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि वहाँ पर समुंदर मौजूद है। तो ख्याल ये है कि आइस शीट जो है वो तकरीबन 20 या 30 किलोमीटर मोटी है, उसके नीचे तकरीबन 10 किलोमीटर जितना समुंदर है। अब ना सिर्फ वहाँ पर समुंदर मौजूद है बल्कि ख्याल ये है कि वो वहाँ पर नमकीन पानी है, मतलब ये है कि वो ज़मीन जैसा वहाँ पर समुंदर है, समुद्री पानी है। ये एक कटआउट है, ये आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये उसके नीचे उसका कोर है, ये वहाँ पे इंसेलाडस का, उसके ऊपर आपको समुंदर नज़र आ रहा है। और अब वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर इतनी दूर इंसेलाडस है वहाँ ज़मीन से, सूरज से, तो वहाँ पर समुंदर कैसे है? ख्याल ये है कि ये जो इसका इंटीरियर है वो जो सैटर्न है उसकी टाइडल फोर्सेस उसको गर्म करती हैं, उसकी ग्रेविटी जो है सैटर्न की वो उसको गर्म करती है, और उसकी वजह से उसने जो ऊपर की बर्फ़ है वो उसने थोड़ी वहाँ पर पिघलाई है, तो वो पिघला हुआ हिस्सा जो है वो समुंदर बन गया है। पानी एवेपोरेट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आइस शीट मौजूद है।
तो ये एक और तरीका है, हमारे पास ज़मीन के ऊपर तो हमारा अपना एटमोसफियर है, लेकिन अगर आप इंसलारस की बात करते हैं तो इंसलारस के ऊपर वो आइस शीट है और आइस शीट के नीचे समुंदर। लेकिन खाली यही चीज़ नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि वहाँ पर जो हैं वो एक गाइजर्स भी हैं। ये एक तस्वीर है इंसलारस की, यहाँ पे आपको गाइजर्स नज़र आ रहे हैं या गर्म चश्मा। वो गाइजर्स किस तरह से बनते हैं कि वो बहुत सारा मटेरियल जो है, जब समुंदर का ठंडा पानी जब रॉक्स पे मिलता है तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर बनता है और वो जो मटेरियल है वो नीचे से वो ऊपर बाहर निकल के बाहर की तरफ निकलता है सरफेस के ऊपर। ये एक मेरे पीछे एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये आर्टिस्ट कंसेप्शन है कि अगर आप इंसेलाडस के ऊपर खड़े हों तो आपको वहाँ के गर्म चश्मे कैसे नज़र आ रहे होंगे। इसको क्रायो वॉल्केनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वाटर वॉल्केनोज हैं, जो पानी जो है वो नीचे से निकला और वाटर वेपर हैं या वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो समुंदर में से होते हुए वो बाहर की तरफ निकले हैं। अब इसकी तस्वीरें तो मैं मौजूद हैं, वाकई ये तो हमें मालूम है कि वहाँ पर ये गर्म चश्मे मौजूद हैं, लेकिन खाली यही चीज़ नहीं, ये जो गर्म चश्मे हैं वो सैटर्न के रिंग्स का भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे तो बहुत फेमस रिंग्स हैं, लेकिन ये इंसेलाडस के जो पार्टिकल्स हैं वो सैटर्न का एक ई रिंग है। सैटर्न के रिंग्स जो हैं वो आइस पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन ई रिंग के जो आइस हैं वो इंसेलाडस के ज़रिए से मिल रही है। चलें इन सारी चीज़ों को तो छोड़ दें, असल में जो इंसेलाडस की हमें इम्पोर्टेंस नज़र आती है वो ये है कि हमारा ख्याल ये है कि शायद इंसेलाडस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिंदगी मौजूद हो, बल्कि हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन के बाद इंसेलाडस शायद सबसे बेहतरीन जगह है ज़िंदगी की तलाश के लिए। क्यों? ज़िंदगी के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, पानी, जैसा कि मैंने बताया कि इंसेलाडस पे समुंदर मौजूद है, नमकीन समुंदर, पानी भी मौजूद है, बिल्कुल ज़मीन जैसा समुंदर है वहाँ पर, तो पानी की तो कोई कमी नहीं। दूसरी चीज़ चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारी ज़मीन के ऊपर तमाम ज़िंदगी है वो कार्बन बेस्ड है। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको चाहिए अगर आपको ज़िंदगी की तलाश चाहिए। अब इंसेलाडस पे ये जो गर्म चश्मे हैं, जो उसमें से जो गाइजर्स में से मटेरियल नज़र आया है, उसमें एविडेंस है कि वहाँ पर मेथेन भी मौजूद है, एथेन भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है, एसिटिलीन भी है, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ पर काफ़ी मकदार में मौजूद हैं। तीसरी चीज़, आपको एनर्जी चाहिए। ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर एनर्जी जो है वो सूरज से आती है, आसानी है, लेकिन जब आप इंसेलाडस की बात करते हैं वो तो सूरज से बहुत दूर है, तो उसको सूरज की तो इतनी एनर्जी नहीं मिल रही, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो जो मैंने बताया कि उसके नीचे, उसके कोर के पास, वहाँ पर इंसेलाडस में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, ये जो सैटर्न की ग्रेविटी जो उसको ऊपर नीचे करती है उसकी वजह से वहाँ पर एक तरह से आप समझ लें कि वॉल्केनिज्म है। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे ज़मीन के ऊपर भी मौजूद हैं। समुद्रों के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, ख्याल ये है कि ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर 4 बिलियन साल पहले गालिबन इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब ही शुरू हुई थी। अभी भी बल्कि ये लाइफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं, अब यहाँ पे ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में 100 डिग्री के ऊपर होगा, लेकिन उसके बिल्कुल करीब में ज़िंदगी मौजूद। अगर ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब शुरू हुई थी तो ख्याल ये कि यहाँ पर इंसेलाडस के ऊपर भी ज़िंदगी शुरू हो गई हो, अभी मालूम नहीं, इसके लिए हमें मुस्तकबिल का इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद कोई मिशन जाए। अब सोचने की बात यह है कि ये जो अल्फ लैला की बात थी उसमें तो बात होती है उड़ने वाले कालीनों की, अब आज से 50 साल या 100 साल या 200 साल के बाद उड़ने वाला कालीन तो नहीं, लेकिन शायद कोई स्पेस क्राफ्ट होंगी जो इंसानों को लेकर शायद इंसेलाडस के ऊपर जाएं।
اور یہ کوئی اتنی حیران کن چیز نہیں ہوگی کہ اگر جب وہاں پہ اسپیس کرافٹ جائیں تو ایسے علاقے جس کا نام دمشق ہو یا بغداد ہو, ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں میں وہاں پر زندگی ملے. اور یہ ایک بڑی ڈسکوری ہوگی کہ زمین کے بعد اور جگہ پر بھی زندگی موجود ہے. میں ہوں یہاں پر سلمان حمید, سائنس کے اڈے کے ساتھ.